हाय फ्रेंड्स, मैं हूं राहुल और आज मैं लेकर आऊं आपके लिए कौन न्यू वीडियो। आज की वीडियो फ्रेंड्स कैलिपर पिन के ऊपर है। तो आज मैं अपनी ऑल्टो K10 की कैलिपर पिन चेंज करने वाला हूं। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लें, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो की न्यूज़ सबसे पहले मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, आपको कार जैक पे लगा करके व्हील को निकाल लेना है। व्हील निकालने के बाद आपको 13mm के दो नट्स मिलेंगे कैलिपर में। उनको आप स्पैनर या फिर सॉकेट की हेल्प से खोल सकते हैं। तो मैं जल्दी से उन दोनों नट्स को खोल लेता हूँ। तो फ्रेंड्स, नट खुलने के बाद आपको कैलिपर को ऊपर कर देना है। फिर आपको ब्रेक पैड निकालने हैं। ब्रेक पैड निकालने से पहले आपको इस पत्ती का बहुत ध्यान रखना है, इसको खोना नहीं है। और ये कैसे लगी है अच्छे से देख लें। इसके बाद फ्रेंड्स हम ब्रेक पैड निकालेंगे। तो मैं ब्रेक पैड को निकाल लेता हूँ। ब्रेक पैड के ऊपर नीचे भी दो पत्तियाँ लगी हैं, उनको भी अच्छे से आपको संभाल के रखना है। हम पिन को बाहर खींच लेंगे। तो मैं जल्दी से दोनों पिन को बाहर निकाल लेता हूं। इसके बाद फ्रेंड्स हमको इनकी सफाई करनी है, तो हम जल्दी से इसकी सफाई कर लेते हैं। अब फ्रेंड्स मैं आपको कैलिपर पिन दिखा देता हूं। तो कुछ इस टाइप के बॉक्स में आपको कैलिपर पिन मिलेंगी। मैं बॉक्स खोल के दिखा देता हूं इसके अंदर आपको क्या क्या मिलेगा। तो इसके अंदर आपको दो सील मिलेंगी, जो रबर की सील होती हैं, जो पिंस के ऊपर लगेंगी डस्ट के लिए। और फ्रेंड्स आपको इसके दो स्क्रू मिल जाएंगे और ग्रीस का पैकेट मिलेगा और दो पिंस मिलेंगी। ये ग्रीस फ्रेंड्स थोड़ा अलग टाइप का होता है, ये कैलिपर ग्रीस है। यही ग्रीस ब्रेक्स में यूज़ होता है कैलिपर पिंस पे, तो हम इसी ग्रीस का यूज़ करेंगे। अब हम पिंस पे ग्रीस लगा लेंगे अच्छे से। ग्रीस फ्रेंड्स ज़्यादा भी नहीं लगाना और इतना कम भी नहीं लगाना है, तो मीडियम क्वांटिटी में आप ग्रीस का यूज़ करें। ग्रीस लगाने के बाद फ्रेंड्स हम इसकी रबर सील लगा देंगे जो पैकेट में निकला था, उसको डस्ट सील भी बोलते हैं। उसके बाद हम इसको इंसर्ट कर देंगे कैलिपर में। तो मैं जल्दी से इस पर ग्रीस लगा के इसकी सील लगा के इसको इंसर्ट कर देता हूँ। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स हमारी दोनों पिन अच्छे से लग चुकी हैं। एक बार इनको प्रेस करके देख लें ये फ्रीली मूव हो रही हैं या नहीं, कोई अटक तो नहीं रही है पिन। तो मैं दोनों पिन को चेक कर लेता हूं दबा करके कि ये अटक तो नहीं रही हैं। पिन लगाने के बाद फ्रेंड जैसे हमने कैलिपर को खोला था वैसे ही हम इसको लगा देंगे। तो सबसे पहले हमको ऊपर नीचे वाली पत्ती लगानी है जो ब्रेक पैड्स के ऊपर लगी थी। उसके बाद हमें ब्रेक पैड लगाने, आप चाहें तो ब्रेक पैड पे थोड़ा सा सैंड पेपर मार सकते हैं अगर आपको लग रहा है कि उनकी कंडीशन ख़राब है, थोड़ा कार्बन है उनके ऊपर, वरना आप ऐसे ही लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स मैं जल्दी से ब्रेक पैड लगा देता हूँ और ब्रेक पैड के ऊपर वाली पत्ती भी लगा देता हूँ। ब्रेक पैड लगने के बाद फ्रेंड्स हम इसका कैलिपर लगा देंगे और कैलिपर के 13mm के दोनों नट्स को कस देंगे। तो मैं जल्दी से इसके दोनों नट्स को लगा देता हूँ।
इसी तरह आप दूसरे कैलिपर की भी पिन चेंज कर सकते हैं। तो आई होप फ्रेंड्स आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स मेरी वीडियो देखने के लिए।